महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह और शोभा यात्रा के उद्घाटन सत्र मंगलवार को मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में शामिल होने महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान के विभिन्न संस्थानों की छात्र छात्राओं ने अलग अलग वेशभूषा पहने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बरसाने का कार्य किया। शोभा यात्रा में छात्र छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण, साफ सफाई, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव, नारी सम्मान, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता सहित विभिन्न विषयों पर आधारित प्रस्तुति प्रस्तुत कर सामाजिक संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमपी इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रगति के लिए मनुष्य के जीवन में अनुशासन का होना आवश्यक है। अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि शिक्षित व्यक्ति ही सुदृढ़ एवं सशक्त राष्ट्र समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षा के साथ खेलों का भी स्वास्थ्य के दृष्टिगत विशेष महत्व है, इसलिए बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को भी विकसित करें। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के लगभग 40 शिक्षण संस्थाओं के बालक बालिकाओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। बताया गया कि यह समारोह 4 दिसंबर से प्रारंभ होकर 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था अपने संस्थापकों के प्रति श्रद्धा एवं सद्भाव को व्यक्त करने के लिए इस समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष करती है। उन्होंने महाराणा प्रताप के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सबको उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए तथा ये शैक्षणिक संस्थाएं शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक प्रशिक्षण जिससे छात्र छात्राएं स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हों, इस उद्देश्य से अपने शैक्षणिक कार्य संचालित कर रही है और आज ये संस्थान 86वां संस्थापक समारोह आयोजित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1932 में इस शैक्षणिक संस्था की स्थापना हुई थी। आज इसकी लगभग 48 शैक्षणिक संचालित हैं, जिसमें लगभग 50,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। उन्होंने गुणवत्तापरक शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज की स्थापना कर सकता है। महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने विद्यालय के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस गौरवशाली आयोजन के प्रति धन्यवाद देते हुए कहा कि ये शैक्षणिक संस्था अपनी विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है, जो नई पीढ़ी के निर्माण के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना जीवन अंधकारमय होता है और जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। इसके बिना विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। भविष्य निर्माण के लिए ये आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी जीवन में अहम रोल होता है। शिक्षित व्यक्ति ही बेहतर समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान ने अपने संबोधन में छात्रों से कहा कि कार्यों का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, अर्थात पढ़ाई मन से करें तथा उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिगत खेल को भी अपने जीवन में अपनाएं। महाराणा प्रताप शैक्षणिक संस्थान बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने की दिशा में अच्छा कार्य कर रहा है। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक शीतल पांडे, विधायक विपिन सिंह, विधायक संगीता यादव, पूर्व MLC डॉ. YD सिंह, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। दिग्विजयनाथ कॉलेज के
मुख्यमंत्री अपने प्रेरणा स्वरूप महाराणा प्रताप की मूर्ति और ब्रह्मलिंग सदन में सभागार में पधार चुके हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी, विशेष अतिथि श्री चेतन चौहान जी, माननीय खेल मंत्री उत्तर प्रदेश तथा अन्य सभी सम्मान्य अतिथिगण हमारे बीच। माल्यार्पण का कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र नाथ जी कॉलेज गोरखपुर की तरफ से माननीय मुख्य अरुण कुमार सिंह प्रिंसिपल महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर, हो गया ना, प्रोफेसर राजेश सिंह जी, प्रोफेसर केशव सिंह जी और प्रोफेसर ओपी पांडे जी, आप सभी सम्मान अतिथियों का प्रदेश देखिए के पीछे हैं मत लाइए। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी आज के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में लगे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री चेतन चौहान जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, नहीं भाई पीछे थोड़ा सा आया प्रदेश की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था अपने संस्थापकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए अपना संस्थापक सत्ता समारोह का आयोजन कर रही है। इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ 4 दिसंबर को इस भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से हो रहा है। हम सब जानते हैं कि 1935 में जब देश गुलाम था उस कालखंड में ब्रह्मी गोवर्ष पिकाश्वर पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने पूर्व उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए देश के अंदर देश की स्वाधीनता किस यज्ञ को सफल बनाने के लिए राष्ट्रभक्त नौजवानों की एक टीम हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में पैदा हो और राष्ट्र को समर्पित होकर के कार्य कर सके, जिससे ममता शिक्षा परिषद की स्थापना की है। इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के सामने उन्होंने महान प्रताप रखा। वह एक ऐसा आदर्श
जो हमने परिस्थितियों में कार्य करने के लिए यार हिला मत कर रहे हैं, हम कायला किया है भाई, हिला रहे इसको कर रहे हैं। मातृभूमि के प्रति हम सबकी क्या भावना होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर माना प्रताप और इतिहास ऐसा आदर्श फिर हिला रहे हो सौर रखवा कर कोई शासन विश्राम प्रसन्नियों में जगत भैर हुए स्वातंत्र समर की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी तत्पर रहे और लड़ाई चाहे वह चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की धरती में हो, हल्दी घाटी की नदी हो या फिर लंबे अरसे तक आर्मी की पर्वत श्रृंखलाओं में विधर्मी विदेशी अत्याचारों के खिलाफ भारत के आन और शान की रक्षा करने के लिए हमारा प्रताप ने वहां के समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ करके जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया था वादर्श देश के अंदर हमारे छात्र छात्राओं के अंदर पैदा हो, जिससे महान प्रताप के नाम पर एक संस्था की स्थापना गोरखपुर में की थी और आज संस्था न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन कर रहा है, स्वास्थ्य के साथ साथ विभिन्न रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन कर रही है जो यहाँ के छात्र छात्राओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सके। अपने संस्थापकों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने का एक माध्यम महाराष्ट्र शिक्षा परिषद के पास संस्थापक सप्ताह समारोह का एक कार्यक्रम है, जिसमें महाराष्ट्र शिक्षा परिषद के संस्थापकों ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मदेव महंत अभयनाथ जी महाराज और संस्थापक समारोह से जुड़े हुए अपने प्रबंध समिति से जुड़े हुए या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने हमारा शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाई देने में अपना पूरा योगदान दिया, इस सम्मान सम्मान का भाव सब विभूतियों के प्रति व्यक्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र शिक्षा परिषद और संबद्ध शिक्षण शिक्षण संस्थाओं को अपना योग मार्गदर्शन देने और ऊंचाइयों तक ले जाने में उनका योगदान रहा है, उन्हें स्मरण करते हुए मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र शिक्षा परिषद को ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज
जिन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ाया था इस संस्था का सपना स्वरूप महात्मा शिक्षा परिषद से सभी जुड़े हुए संस्थाओं के स्व मूल्यांकन का भी एक माध्यम बनता है। हम जब आपस में ही शिक्षा परिषद के विभिन्न संस्थाओं की आपसी प्रतिस्पर्धा कराते हैं तो हमें स्वयं को जांचने अपनी क्षमता को जांचने अपना मूल्यांकन करने का अवसर भी है प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर अच्छे कार्य में और भी अच्छा कार्य करने की गुंजाइश छुपी होती है। वो अच्छा कार्य और कैसे हो सकता है, कैसे हम टोटल सुधार करके एक आदर्श व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता है। कितनी बड़ी संख्या शोभा यात्रा है, मैं तो इस बात का है कि संस्थाओं का आंतरिक अनुशासन और छात्र छात्राओं का स्वयं का स्व अनुशासन शोभा यात्रा के माध्यम से स्वयं की संस्था को किस रूप में प्रस्तुत करता है। अनुशासन ही व्यवस्था अराजकता का कारण बनता है और अराजकता कभी किसी के हित में नहीं होता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जीवन में अगर प्रगति करनी है तो हमें अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। यह शोभा यात्रा का कार्यक्रम उस अनुशासन का एक प्रमुख हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि महात्मा शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं आज लगभग 50,000 से भी छात्र छात्राएं महात्मा शिक्षा परिषद के विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कार्य कर रहे हैं, उससे प्रशिक्षण ले रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से चिकित्सालयों के माध्यम से स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं ले रही हैं। सभी संस्थाओं ने देखा कुछ वर्षों में बेहतर प्रगति की है, लेकिन इससे और भी अच्छा किए जाने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। हम इसे समय प्रगतिशील हो सके इस विश्वास के साथ मैं आज इस अवसर पर जहां अपने मुख्यमंत्री और अपने सम्मान मंत्रियों को हाजिर से अभिनंदन करता हूं, वहीं हमारा शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए प्रबंध समिति के हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, महात्मा शिक्षा परिषद से जुड़े जितने भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य हैं, आचार्यगण हैं, छात्र छात्राएं हैं, सबको इस बारे में आह्वान करूंगा कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप हम अपने जीवन में पूरे परिश्रम के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अपने जीवन को अपने समाज अपने राष्ट्र के साथ कैसे संपर्क कर सकें, जिससे हम समाज में एक व्यापक परिवर्तन भाग में सफल हो सकते हैं। आज के अवसर पर एक बार पुनः इस पूरे कार्यक्रम के प्रति लगातार एक सप्ताह तक अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, इन सभी कार्यक्रमों के प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के समापन अवसर पर 10 दिसंबर को देश के महान राष्ट्रपति जी का सानिध्य महात्मा शिक्षा परिषद और उससे जुड़े हुए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होंगी, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को देश के महान राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रदेश से माननीय राज्यपाल जी का मार्गदर्शन भी इस अवसर पर प्राप्त होगा। एक बार पुनः संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के अवसर पर मैं महात्मा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि पूरे सप्ताह चलने वाला कार्यक्रम महात्मा शिक्षा परिषद के संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप गुणवत्ता में व्यापक सुधार
और शिक्षा क्षेत्र में एक मान और आदर्श के रूप में उभर कर सामने आएगा और सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। युवा पीढ़ी को संबोधित करने के लिए अपना आशीर्वचन देने के लिए माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर राम सिंह, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ गोरखपीठ के इस पावन मिट्टी को, इस धरती को अपने माथे में तिलक लगाने का मुझे अवसर मिला। ये सौभाग्य उन्होंने दिया इस शहर में उपस्थित होने के लिए, मैं उन्हें सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री के नाते और इस महाराणा शिक्षक परिषद के अध्यक्ष के नाते मैं ये कहूँगा जो उपलब्धियाँ, जो कीर्तिमान और जो ऊंचाइयाँ तक पहुँचाने का काम उत्तर प्रदेश को किया, निश्चित रूप से हम जैसे मुख्यमंत्री को भी ये प्रेरणादायक है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके ही आयोजन में मैं दक्षिण कौशल से आया हूँ। माँ कौशल्या की नगरी, माँ कौशल्या की जन्म स्थान, और आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसे आयोजन में उपस्थित हुआ जहाँ उपस्थित हमारे अतिथि चेतन चौहान, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर हृदय प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र शिक्षा परिषद, राधा मोहन दास नगर विधायक गोरखपुर, विपिन सिंह विधायक ग्रामीण, भजन बहादुर सिंह विधायक, पी के सिंह प्रभुपति, शीतल पांडे, राकेश सिंह विधायक, उपेन्द्र शुक्ला, सीताराम जायसवाल महापौर, पी सिंह सांसद, और यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, फैकल्टी के मेंबर, छात्र छात्राएं और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथी, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह के अवसर पर मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि एक विशिष्ट परंपरा गुरु गोरखनाथ से चलकर महंत रविन्द्रनाथ जी और उसके पहले महंत दिग्विजयनाथ महाराज जी ने जो स्थापना 1932 में की, और आज स्थापना के इतने वर्षों बाद उस महान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपीठ के पूरे पूरे परिसर में कल से मैं घूम रहा हूँ। मुझे इस परिसर में आने के बाद और पहली बार मुझे इस स्थान में आने का अवसर मिला जब मैंने पूजा अर्चना की, और यहाँ की ऊर्जा को, यहाँ की शक्ति को, यहाँ के प्रताप को मैंने देखा। निश्चित रूप से मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता और पूरे देश के लिए शुभकामना और तरक्की की कामना की, क्योंकि गोरखनाथ के आशीर्वाद से शांति और विकास की यात्रा में हम सफल होंगे। और छत्तीसगढ़ से चल के आया हूँ, वो छत्तीसगढ़ जिसे पिछड़ा छत्तीसगढ़ कहा जाता था, पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जहाँ भूख से मौत होती थी। 2000 में छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद यह अवसर मिला। 2003 से मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया। इस 15 साल की यात्रा में आज छत्तीसगढ़ को, जिसे पिछड़ा छत्तीसगढ़ कहा जाता था, आज एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में आज छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है। छत्तीसगढ़ की पहचान, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा होकर छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान ने विशिष्ट स्थान छत्तीसगढ़ किया है। हिंदुस्तान में कुल उत्पादन होने वाली स्टील का 22% अकेले छत्तीसगढ़ बनाता है। हिंदुस्तान में कुल उत्पादन होने वाले सीमेंट का 16% छत्तीसगढ़ बनाता है। हिंदुस्तान में कुल पैदा होने वाले एल्यूमिनियम का 18% अकेले छत्तीसगढ़ बनाता है, और 22,000 मेगावाट पावर का जनरेशन छत्तीसगढ़ करता है। ऊर्जा नगरी के रूप में, ऊर्जा के रूप में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान बनाने सफल हुई। कोल का उत्पादन, आयरन ओर का उत्पादन, धान के उत्पादन में देश की विशिष्ट स्थान बनाने सफल है छत्तीसगढ़ को। मैं आज इस परिसर में आया हूँ,
मुझे याद आ रहा है हमें मनमोहन भाई जी का प्रयास, जिस प्रयास में 1916 में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस प्रयास को और दिशा देते हुए देश की संस्कृति, देश के इस इंसान की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम महान विजयनाथ जी ने 1932 में गोरखपुर में महाराणा शिक्षा परिषद की स्थापना की। और मुझे लगता है उस दौर में 1932 में ब्रिटिश राज के दौर में एक चुनौती थी अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्यों, राष्ट्र प्रेम और शिक्षा के प्रसार में कैसे पुनर्स्थापित कैसे किया जाए और महाराणा प्रताप के उन वाक्यों को, उन आदर्शों को कैसे जीवित रखा जाए। जो वाक्य और जो आदर्श महाराणा प्रताप ने जीवन भर निभाया देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, न केवल व्यवहार की रक्षा के लिए बल्कि देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप से आदर्श कुछ नहीं हो सकते। आज की युवा पीढ़ी के जो मेरे सामने मेरे बेटे बेटी कर रही है, उनके लिए हमारे जीवन में कितना भी कष्ट आए, जीवन में कितनी भी तकलीफ आए, वह अपने मार्ग से हमें हटना नहीं है, अपने आदर्शों से हटना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस देश की स्मृति, इस संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी कुर्बानी करें वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। यही महाराणा प्रताप ने अपने जीवन संघर्ष में हम सबको बताया, हम सबको समझाने का काम किया, उनके आदर्शों को जीवित रखने का काम ये संस्थान कर रहा है। न केवल शिक्षा, शिक्षा के साथ संस्कार बढ़ेगा, वेद के साथ विज्ञान, ऐसा मिश्रण जो एक नई पीढ़ी के निर्माण के लिए, एक नई पीढ़ी के निर्माण के लिए जो प्रयासरत है। 1932 से लेकर इतनी लंबी यात्रा, 2018 तक की यात्रा में 50,000 छात्र छात्राओं की संख्या, अलग अलग 50,000 संस्थाओं का जन्म, अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अंधकार में होता है। शिक्षित व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व करता है, और शिक्षा से बड़ा यज्ञ, शिक्षा से बड़ा धर्म, शिक्षा से बड़ा काम नहीं हो सकता। और इतना बड़ा काम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो कर रहा है, निश्चित रूप से इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ ये बड़े काम में, क्योंकि शिक्षा संस्थान ने केवल 50 संस्था को जन्म दिया। मैं देख रहा था और पढ़ रहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसका आधार यही से रखा गया कि आज राष्ट्रीय स्तर का गोरखपुर विश्वविद्यालय और उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रखी। और मुझे खुशी है कि मैं उत्तर प्रदेश में और गोरखनाथ की धरती पे उपस्थित हूँ। कल मैंने लाइव एंड शो में देखा, मुझे वो सारी कहानी, उस सारी यात्रा गोरखपीठ के इस परिसर में देखने का अवसर मिला, और जो जानकारी आज मुझे मिली और जो शोक हुआ, निश्चित रूप से इस स्थान के महत्व के बारे में पूरी जानकारी मुझे समझ आई। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हम न केवल आध्यात्मिक रूप से, शैक्षिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं। आपकी जीवन यात्रा जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आपका भविष्य, अपनी मजबूती के साथ कैसे हम कल के संघर्ष के लिए आज हमें आपको तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए जरूरत है कड़ी से कड़ी मेहनत। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। आप शिक्षा के क्षेत्र में आज अध्ययन कर रहे हैं, भविष्य निर्माण के लिए आपको इतना बड़ा अवसर मिला है, ऐसी सुविधा मिली है, इस अवसर का लाभ लेते हुए बेहतर से बेहतर आपका प्रदर्शन हो, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि शारीरिक रूप से स्पोर्ट्स में भी आपकी गतिविधि हो, और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित जो बढ़ता है वही कल का भविष्य होता है, वही इस देश के भविष्य है, और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ कल से मुझे सभा में जाने का अवसर मिला। एक परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश की धरती में देख रहा हूँ, 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस पानी को, इस प्रकाश से
मैं स्कूल को काम करते हुए देखा है। सांसद युग में दिल्ली में मैंने उनको देखा इस गोरखपुर की समस्याओं को उठाते हुए, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को उठाते हुए इतनी विवाद के साथ, इतनी हिम्मत और हौसला के साथ कोई सांसद अपनी बात रह सकता है। यह मैंने उन्हीं से सीखा, उन्हीं से समझा कि उस समय में मैं दिल्ली के लोकसभा पर सदस्य लाते मंत्री के हैसियत से काम कर रहा था। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के हैसियत से उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय बना रहा है, नई व्यवस्था पैदा करने में उन्होंने शक्ति लगाई है, किसानों के लिए बड़े से बड़े काम किया। मुझे लगता है धान खरीदी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कभी उसकी व्यवस्था नहीं थी, समर्थन मूल्य धान खरीदी की व्यवस्था की शुरुआत यदि किसी ने किया है तो निश्चित रूप से सहयोग काम जाता है। योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री जी को बताता है कि उन्हें धान खरीदी गेहूँ की खरीदी की व्यवस्था की गन्ने की उचित मूल्य दिलाने का काम उन्होंने किया। उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया। आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा होती है। कानून व्यवस्था की बेहतर करने का काम किया, निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है और आज मुझे इस बात की खुशी है ऐसे शिक्षा संस्थान में आया हूँ जिस शिक्षा संस्थान में आप इस बच्चे के सामने बैठे। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते यही कहना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से आकर मुझे यहाँ यात्रों के साथ बात करने का अवसर मिल रहा है तो मैं इसको अपने लिए सौभाग्य विषय मानता हूँ। इतने बड़े संस्थान जिसकी स्थापना 1932 में हुई है, ऐसे संस्थान में आकर बहुत कुछ सीख कर जाऊँगा, बहुत कुछ नई जानकारी लेकर जाऊँगा और आज इस अवसर पे आप सबको मैं हृदय से आभार करता हूँ और महाराणा शिक्षा परिषद के इस आयोजन में एक हफ्ते तक चलना है, एक सप्ताह तक चलना है। आज इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत के अवसर पर मुझे यहाँ एक अवसर मिला। मैं संस्था के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को हृदय से आभार करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।